अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज से किचन में। तो आज रमजान स्पेशल कौन सी रेसिपी कर रहे हैं अम्मी? आज रमजान स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ चिकन नान चाप। अच्छा, और उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ खीमा। खीमे के साथ में भी हम लोग नान ही खाने वाले हैं। हाँ। तो जैसे कि कल मैं गई थी मीनारा मस्जिद के पास में, तो वहाँ पर नान बहुत अच्छे अच्छे मिलते, तो मुझे देख के रहा नहीं गया। तो मैं सोची कि चलो ये नान ले लेती हूँ, और कुछ नान लेके जा रही हूँ तो कुछ वो हिसाब से ही मैं रेसिपी भी बनाऊँ। बराबर है ना सिर्फ? हाँ। तो बहुत सिंपल तरीके से दोनों चीज बनाने वाली हूँ। हाँ, जो खीमा बना रही हूँ मैं मटन का बनाने वाली हूँ। अगर आप वो इफ्तारी में नहीं बनाना चाहते तो सही में भी बना के आप इसे खा सकते हैं, है ना? मगर हम लोग इफ्तारी में खाने वाले और नान के साथ बहुत मजेदार। और नान उधर एकदम फ्रेश फ्रेश रहते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं नान उधर के। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इफ्तारी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम बना लेते हैं खीमा। तो खीमा बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कुछ ज्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में मैंने 5 चम्मच ऑयल डाली हूँ। हमारा तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज की प्याज, लंबे लंबे में कटिंग करके। ये प्याज को हमने इसके अंदर डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, कि प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो जाना चाहिए। अभी इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो इसमें 3 से 4 मैं दालचीनी डाल दूंगी। इसमें हम डालेंगे क्रेन की आवाज आ गई, 2 काली इलायची, 4 से 5 हरी वाली इलायची भी इसके अंदर डाल देंगे हम। काली मिर्च डालेंगे 10 से 12, लौंग डाल देंगे 10 से 12। बस ज़्यादा खड़े गर्म मसाले नहीं ऐड करेंगे हम, इतने भी मसाले ऐड करेंगे। अभी इन सबको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज का कलर चेंज हुए तक का इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज का कलर देखिए अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। अभी इसमें डाल दूंगी मैं खीमा। ये बकरे के गोश्त का खीमा है, मैं इधर पे डाल रही हूँ 1 किलो, 1 किलो के लगभग, है ना? अभी खीमे को मैंने धो लीजिए और छन्नी में रख के सारा पानी इसका निकाल लिया। अभी साथ ही में इसमें कुछ मसाले भी डाल दूंगी मैं। तो इसके अंदर डालूंगी 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। आवाज आ रही है मेरी बराबर आशीष? हाँ। अभी इसके अंदर जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। तो धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के 1 चम्मच डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इसके अंदर डालूंगी 3 मीडियम साइज के टमाटर, और इधर पे डाल रही हूँ मैं 5 से 6 हरी मिर्ची बीच में से कटिंग करके। अगर आपको तीखा पसंद है तो ही डालना, नहीं तो स्किप कर देना हरी मिर्ची को। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डाल दूंगी मैं। मजेदार झटपट से बन जाएगा। इसमें थोड़ी कोथमीर काट के रखो। अब क्या करेंगे, इसे आराम से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, मीडियम गैस पे रख के इसे मिक्स करना है कि सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एकदम खीमा नान के साथ में इतना जबरदस्त लगेगा ना कि आप भी याद रखोगे कि क्या खीमा बनाए थे अफरोज आपा ने और हम लोगों को सिखाए, है ना आशीष? हाँ। तो ये अपना ये सहरी में खा सकते हैं, मतलब सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तारी में खा सकते हैं। आपको जब खाना है ऐसे नॉर्मल टाइम पे भी आप लोग रमजान बाद भी इसे बना के खा सकते हैं, या ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर हम 10 से 15 मिनट तक का पका लेंगे। बीच में आपको 1-2 बार इसके अंदर चम्मच चलाना है और मसाले को भी भूनते रहना है, और हमारे खीमे को भी हमें गलाना है, यानी गोश्त को भी गलाना है। चलिए, तो माशाल्लाह यहाँ पे खीमा देखिए जबरदस्त लग रहा है, एकदम खीमा अंगार लग रहा है एकदम, है ना? आखिरी खीमा, आखिरी खीमा एकदम। ये देखो भुनाई देखो, तेल देखो, हो बस इसे आप लोग नान नहीं मिलेगा तो कड़क पाव के साथ, नहीं तो भून पाव के साथ इसे इंजॉय करना। वो मजेदार एकदम अच्छे से मैंने इसे भुनी भी, गोश्त भी गल गया मस्त, एकदम खीमा भी गल गया। और बस पूछो ही मत, आप इफ्तारी में बना के खाएंगे तो नमाज पढ़ने के समय दुआओं में मुझे जरूर याद रखना कि इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी अफरोज आपा हमें देते हैं ना। हाँ।
जबरदस्त यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे झाग को बंद, मगर थोड़ा सा इसके ऊपर मार देंगे कोतमीर, जबरदस्त, और इसे गर्मा गर्म सर्व करना। तो यहाँ पे हमारा कीमा बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे माशाल्लाह हमारा कीमा बनकर रेडी हो चुका है, एकदम यम्मी लग रहा है, तरी वाला, एकदम तरी मार के ऊपर से थोड़ा सा मैंने बटर डाल दी, यानी सोने पे सुहागा, जबरदस्त लग रहा है। और उसके साथ में जो है ये नान, ये मैंने बॉम्बे से लाई हूँ, इसे बोलते हैं बर्फी नान। ये देखिए, ये इस तरह के पीस में होते हैं, इसको बोलते हैं बर्फी नान। और ये वाले नान ये खीमे के साथ में जब आप खाएंगे तो क्या ही नहीं बोलूं आप लोगों को, इतना मजा आ जाएगा कि पूछो ही मत, है ना आसिफ? हाँ। तो चलिए गाइस, कैसी लगी आज की इफ्तारी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग मेरी रेसिपी की वीडियो बना रहे हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है afrosheikh95, तो उसके ऊपर आप जब मुझे टैग करोगे तो मैं आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी पे रख सकती हूँ। सबसे पहले हम नान चाप का जो भुना होता है, जो नान के अंदर भरते हैं, वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल रखी हूँ गरम होने के लिए, उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालूंगी मैं। जीरा जैसे ही हमारा तड़कने लगेगा तो इसी के अंदर मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा ही करेंगे, जैसे कि मैं 1/2 किलो कीमा ले रही हूँ वो हिसाब से। प्याज का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। अभी इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, एकदम माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त। टमाटर और प्याज को आपको एकदम बारीक बारीक कटिंग करना है, बिल्कुल भी ज्यादा मोटा नहीं रखना है। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी साथ में इसमें ही डाल देंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है गाइस। साथ ही में इसमें बारीक बारीक कटिंग की हुई 4 से 5 हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच हम इसके अंदर लेंगे काली मिर्च पाउडर। ये भी कैकरेट स्टाइल जो बोलते हैं ना, वही मैं आप लोगों को बाजारों में मिलता है ना, वही मैं आपको दे रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से डाल दूंगी मैं, बाकी का बाद में डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। अब इसके अंदर जाएगा फूड कलर, तो फूड कलर डालना गाइस ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मगर मैं जैसे कि बाजार स्टाइल बना रही हूँ तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। 1/2 नींबू का रस डाल देंगे इसमें, कैसे चटपटा बनाने के लिए, अच्छे से निचोड़ के डालना नींबू। अभी इन सबको हम अच्छे से 5 से 6 मिनट तक का भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसे भून सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से भून कर हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चिकन ली हूँ, चिकन को मैंने बारीक बारीक खीमे जैसा मार के ले ली हूँ, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को पहले धो लेंगे अच्छी तरह से, धो के सारा पानी निकाल के इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा नान चाप का भुना बनकर रेडी होने वाला है, बस कितने कम मसाले और कम सामान से ये बन जाता है। नमक डालना भूल गई मैं, तो आप लोगों को बता देती हूँ कि 1/2 चम्मच नमक डाल देना इसके अंदर, मैं भूल गई थी, तो इसमें आप 1/2 चम्मच नमक डाल देना। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना, क्योंकि हम इसे बटर में फ्राई करने वाले हैं। बस अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे 10 से 15 मिनट तक का अच्छी तरह से पका लेना। इसके अंदर जितना भी पानी छूटेगा सारा पानी को हमें सुखा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमारा भुना बन के एक नंबर रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाली हूँ थोड़ा सा तेल,
तेल को हम डाल देंगे और तेल जैसे ही हमारा अच्छे से ये हो जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये नान जो हमने बम्बई से लेके आए थे ना, ये नान को मैंने दो टुकड़ों में कटिंग कर ली हूँ बीच में से, ये देखिए ऐसे दो टुकड़ों में मैंने नान को कटिंग कर ली और इसे तेल लगा के थोड़ा सा सेक लेंगे, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं। ऐसे तवा ज्यादा गर्म हो गया था, पहले नान को सेक सेक के मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में आपको आगे क्या करना है वो बताती हूँ। ये नान जो है आपको बम्बई में भी मिल जाएंगे या आपको कुदला में भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह के नान होते हैं, ये इस तरह के नान होते हैं, इसे इस तरह से कटिंग किया जाता है। तो चलिए नान चाप बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे नान को मैंने अच्छे से सेक के साइड पे रख दी, अभी इसी तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी। अब बटर डालने के बाद में ये जो मसाला हमने बना के रखे थे नान चाप का, ये हम डालेंगे। क्या एक नान में आराम से ये मसाला बैठ जाए। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटो बारीक कटिंग करके, थोड़ा सा हरा धनिया, ये ऐसे मस्त से एकदम मिक्स। ये नान में लिए ये लगाए, ये लिए ये लगाए, चारों बाजू फैलाओ, ये लिए ये भरे, एक नंबर नान चाप, नान चाप, नान चाप, एकदम फालू नान चाप, एक नंबर भर दिए, ये रख दिए उसके ऊपर पाव, मस्त, ये रख दिए इसके ऊपर, ये फेंक रहा है, मस्त नान चाप, नान चाप, नान चाप, एक एक नंबर। ये नान चाप पतला दिख रहा है, एक नंबर। ये निकाले तवे पे से, ये रख दिए इसके ऊपर, जबरदस्त नान चाप, अभी मैं आपको बताती हूँ नान चाप को काट के कैसे काटना कैसे है। तो ये ऐसे मस्त एकदम धार वाली तेज चाकू ले लो, ये जबरदस्त, ये कट गया एकदम फारू, एकदम जबरदस्त। अब क्या करना है, ऐसे ही फिर पकड़ लो, ये इधर से भी ऐसे चौकन में, जब हम खाते हैं ना नाखुदा मोहल्ले पे है ना, मीनारा मस्जिद के पास, तो इस तरह के ही नान चाप होते हैं वो, जबरदस्त जबरदस्त फारू नान चाप, एक नंबर नान चाप, एकदम जबरदस्त नान चाप, है ना, जबरदस्त नान चाप बन के दे रही है, देख सकते हैं आप लोग, एक जबरदस्त, ये देखिए नान चाप, है ना, इसी तरह के नान चाप बनाइए, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, और दुआओं में मुझे सबसे पहले याद रखिए। चटनी की रेसिपी देखनी है तो बहुत सारी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, है ना आसिफ। हाँ। तो चलिए अभी मैं दूसरा, अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, फटाफट इफ्तारी का काम मैं कर लेती हूँ। इन्नी लकासुम तो वबे का आमन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिस्की का अफ्तल तो फतह कबल मिन्नी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।